नमस्कार दोस्तों, आशु जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। कल हमने जो बात की थी मारवाड़ के इतिहास के बारे में, उसमें हमने राव जोधा तक के जो शासक थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज जो उनके आगे के जो वंशज हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और पेन हाथ में लीजिए और शुरू कीजिए राव जोधा के बाद। राव जोधा, जोधा ने कौन सा शहर बसाया था कल? जोधपुर। कौन सा बसाया था? जोधपुर। 1438 में गद्दी पर बैठा था, 89 तक रहा था। आपको इनके सन याद नहीं करने हैं। जोधा ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था राव सातल को अपनी प्रिय पत्नी जसमादे के कहने पर। तो यह गद्दी पर कब बैठेगा? 89 से शुरू होगा, 92 तक गद्दी पर रहता है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है राव सुजा। सुजा 92 से 1515 ईस्वी तक रहता है। राव बीका, बीका जाकर बीका था बीका नेर में, जो जांगल प्रदेश था वहां पर इसने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। और 1488 के अंदर कौन सा शहर बसाया था? बीकानेर शहर। राजस्थान के सभी कुंवारे किस दिन का इंतजार करते हैं? आखा तीज का। उसी दिन बीकानेर की क्या हुई थी? स्थापना। सुजा के बाद में इसका पुत्र आता है वाघा, राव वाघा, जो गद्दी पर नहीं बैठता लेकिन गद्दी पर बैठता है राव गांगा। और गांगा के बाद में गद्दी पर बैठता है राव मालदेव। 1531 से 62 याद रखना आप, 31 × 62। अब मैंने यहां 1532 लिखा है क्योंकि गांगा की मृत्यु 32 में ही होती है, लेकिन राव मालदेव पहला अभियान 1531 में करता है, तो यानी वो बागडोर संभालने लग जाता है। ठीक है, इसका राज्याभिषेक भी 32 में होगा, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तो जोधा के 5 पुत्र थे, 2 को इतिहास ने सुझा दिया, 1 को आपने सुझा दिया, बचे कितने? 2। एक का नाम राव सातल, दूसरे का राव बीका। तो बात करते हैं राव सातल की। सबसे पहले जोधा ने शहर बसाया जोधपुर, बीका ने शहर बसाया बीकानेर, तो सातल ने एक नगर की स्थापना की जिसे क्या बोलते थे? सातलमेर। क्या कहते थे? सातलमेर। सातलमेर जैसलमेर में है। सातलमेर कहाँ है? जैसलमेर में। आपने नाम सुना होगा रामदेव जी का। रामदेव जी ने एक भैरव राक्षस का वध किया था इसी स्थान पर, और यह पोकरण की राजधानी होता था। पोकरण की राजधानी क्या थी? सातलमेर। पोकरण स्थान का नाम पोकरण भी इसीलिए रखा गया है कि मक्का से 5 पीर आए थे रामदेव जी के पास, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया था? पोकरण। सातलमेर यहां पर किस राक्षस का वध किया? भैरव राक्षस का। अब क्या है कि जब यह गद्दी पर बैठा राव सातल, तो इसको अजमेर के जो शासक थे उनके साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा। तो इसके समय अजमेर का था एक मल्लू खां, मल्लू खां, इसका सेनापति था गुड़ले खां, गुड़ले खां। ये क्या करता है? जोधपुर में आ जाता है पिपाड़ नामक स्थान पर। स्थान का नाम क्या है? पिपाड़। और पिपाड़ जोधपुर में है। यहां पर कुछ कन्याएं गणगौर की पूजा कर रही होती है, गणगौर की पूजा। प्रश्न पूछा जाए गणगौर का त्यौहार कब आता है, तो याद कीजिए गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार? चैत्र शुक्ल तृतीया को। यहां गणगौर की पूजा कर रही थी, तो यहीं से उसने 140 अविवाहित कन्याओं का अपहरण कर लिया। अविवाहित कन्याओं का अपहरण किसने कर लिया? गुड़ले खाने। तो यहां राजा कौन है? सातल। तो फर्ज किसका बनता है छुड़वाने का?
तो राव सातल इसके साथ युद्ध करता है और उनको छुड़वा देता है। उसमें क्या होता है कि गुडले खान जो होता है इसका जो शरीर होता है उसको ये तीरों से छेद देता है, तो उसको क्या करती है कि जो 140 कन्याएं होती है ये पूरे मारवाड़ के अंदर घुमा देती है। और उसी की याद में यहाँ पर एक नृत्य शुरू हो जाता है जिसे बोलते हैं गुडला नृत्य। गुडला नृत्य, लेकिन प्रश्न आया कि गुडला नृत्य की शुरुआत किसने की, तो गुडले खां की पुत्री थी गिंदोली। गुडले खां की पुत्री का नाम क्या था? गिंदोली। इसकी ये पुत्री थी। गिंदोली ने मारवाड़ में कौन सा नृत्य शुरू किया? गुडला नृत्य। कहते हैं कि जो सातल है वो इसको उठा लाया था और रंग महल में रखा था, बाद में इसने इसी से परमिशन ली और वहां पर नृत्य कौन सा शुरू कर दिया? गुडला नृत्य। तो गुडला नृत्य कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। आप ये मान लीजिए कि ये है गुडला है, कौन है? गुडले खाए और लो मेकअप कर दिए इनको, ठीक लग रही होगी। और देखो यानी गुडले खां का शरीर छेद दिया था, तो इसमें ये क्या कर दिया हमने, मटके को छेद दिया। अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, यहां लिख दिया दीपक, अर्ध छिद्रित मटके में दीपक जलाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? गुडला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुडला नृत्य। जब महिलाएं पीटती है तो चक्का जाम हो जाता है, क्या हो जाता है? चक्का जाम हो जाता है। सी एच के ए, सी से चैत्र कृष्ण, ए से अष्टमी। मैंने क्या कहा? जब महिलाएं पीटती है तब चक्का जाम हो जाता है। सी से चैत्र, के से कृष्ण, ए से अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ में गुडला अष्टमी बनाई जाती है और नृत्य कौन सा होता है? गुडला। गुडला नृत्य के दिन एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेले भरते हैं। मारवाड़ में जब चक्का जाम होता है तब एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेले भरते हैं। इसी दिन शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी चाकसू जयपुर में है ना, शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर में है, चेचक की देवी जिसे कहते हैं। और एक आती है ऋषभदेव जयंती, ऋषभदेव जयंती धुलेव उदयपुर में, धुलेव उदयपुर चाकसू जयपुर। अब प्रश्न आए कि जो गुडला नृत्य है इसको संरक्षण किसने प्रदान किया, तो जोधपुर में एक संस्थान है रूपायन संस्थान। कौन सा संस्थान? रूपायन संस्थान। कहां पर है? बोरुंदा जोधपुर, जिसके संस्थापक थे कमल कोठारी, श्री कमल कोठारी, कमल कोठारी स्वर्गीय श्री कमल कोठारी इसके संस्थापक थे। इस संस्थान ने इसको संरक्षण प्रदान किया है। तो मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो गया? गुडला नृत्य हो गया। शुरुआत किसने की? गिंदोली ने की थी। ठीक है, सातल मेर नामक स्थान किसने बसाया था? राव सातल ने। गुडला नृत्य के बाद में बात करते हैं राव सातल की, तो इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर गद्दी पर बैठता है सूजा। अब दो शासकों के बारे में पढ़ते हैं, राव सूजा। गद्दी पर कौन बैठा? सूजा। सूजा जब गद्दी पर बैठता है तो इस पर आक्रमण कर देता है राव बीका। कौन आक्रमण कर देता है? बीका। क्योंकि बीका ने जोधा से कहा था कि मुझे आपका छत्र तलवार राज सिंहासन का जो राज चिन्ह होता है जोधपुर का वह चाहिए, लेकिन इसने वो नहीं लौटाया। ठीक है, सूजा कुछ खास नहीं करता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका पुत्र होता है राव बागा, और बागा जी का ही बेटा कौन होता है? राव गांगा। गांगा है तो सांगा है, सांगा है तो गांगा है, एक ही बात ध्यान में रखना। मारवाड़ में गांगा था, मेवाड़ में सांगा था। मारवाड़ में कौन था?
गंगा, तो मेवाड़ में सांगा, सांगा की सहायता की इसने, किसकी की, राणा सांगा की। सांगा कहाँ का शासक था, मेवाड़ का, संग्राम सिंह प्रथम जिसे कहा जाता है। गंगा ने सांगा की सहायता के लिए 4000 सैनिक भेजे थे, कितने सैनिक भेजे, 4000 सैनिक भेजे थे। 17 मार्च 1527 को युद्ध याद रखना, खानवा का, खानवा युद्ध। खानवा युद्ध कहां पर हुआ था, भरतपुर में। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध, रूपवास तहसील गंभीर नदी के किनारे बाबर के साथ लड़ा था राणा सांगा ने। सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भग्नावशेष। एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख नहीं थी। उस सांगा की सहायता किसने की थी, गंगा ने, कितने सैनिक भेजकर, 4000 सैनिक भेजकर। लेकिन इन सैनिकों का नेतृत्व गंगा के पुत्र मालदेव ने किया, नेतृत्व किसने किया था, मालदेव ने, सैनिक भेजे थे, नेतृत्व नहीं किया था। सांगा ने सभी राजपूत शासकों को बुलाया था पाती प्रवण के दौरान, पाती प्रवण उसने एक पत्र लिखा और उसमें सभी राजपूत राजा थे वो उसकी सहायता के लिए पहुंचे थे। तो मारवाड़ से गंगा ने सैनिक भेजे लेकिन पहुंचा कौन था, मालदेव। गंगा अफीम का सेवन अत्यधिक करता था, अत्यधिक नशा करता था, किसका, अफीम का। नशा नहीं करना चाहिए, जो युवा पीढ़ी है उनको मैं यही कहता हूं कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने भविष्य निर्माण में आप आगे बढ़ें, माता पिता के सपनों को साकार करें। तो ये नशे में था, तो देखिए क्या होता है। ये एक दिन नशा करके, अफीम खाकर महल के ऊपर खिड़की के पास ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहा था, तो उधर से मालदेव आया, आकर बोलता है, हेलो डैडी, हाउ आर यू। गंगा कहे, आज अंग्रेजी कटूँ सीखे हो। तो मालदेव आता है तो गंगा वहाँ पर बैठा होता है, फिर वो मालदेव थोड़ा सा ढोंग करता है, पैर छूने का प्रयास करता है और एक टांग पकड़कर, चलो डैडी गुड बाय, यानी राव गंगा की मृत्यु हो जाती है। तो मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी, मालदेव ने किसकी हत्या कर दी, अपने पिता की। तो मारवाड़ का पहला पितृहंता, मारवाड़ का पहला पितृहंता राजा कौन सा हो गया, मालदेव। मारवाड़ का पहला पितृहंता राजा कौन सा हो गया, मालदेव। तो आइए हम मालदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करूं मैं राव मालदेव की, राव मालदेव, मैंने कहा था 31 × 62 बोले तो मालदेव, और मालदेव बोले तो 31 × 62, 1531 से 1562 तक, क्लियर। सबसे पहले राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, इसका राज्याभिषेक मई 1532 में हुआ, मई 1532 में हुआ था, सोजत पाली में, सोजत पाली में। मैंने क्या कहा था, सोजत की सजने वाली क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है। राज्याभिषेक हुआ था मई 1532 में। 1531 ईस्वी में भाद्रा जून पर इसने आक्रमण किया और यहाँ का शासक था वीरा जो मारा गया। भाद्रा जून जालौर में है, भाद्रा जून कहाँ पर है, जालौर में है। मालदेव को इतिहासकारों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में सुनिए। सबसे पहले इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का पितृहंता राजा, पितृहंता जिसे कहते हैं, पितृहंता राजा। इतिहासकार बंदायूनी ने कहा, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। अब एक इतिहासकार और आया जिसका नाम था फरिश्ता, क्या नाम था, फरिश्ता। फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया, सबसे शक्तिशाली शासक बताया। और
फरिश्ता बंदायूनी के बाद में फारसी जो इतिहासकार थे, फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा है, हसमत वाला राजा कहा है। हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण हिंदू बादशाही राजा कहा जाता है, हिंदू बादशाही राजा कहा जाता है हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण। मालदेव के बारे में सबसे पहले पूछे तो कहाँ पर आक्रमण किया, भादरा जून पर। 1535 ईस्वी में वीरमदेव को हरा देता है और मेड़ता और अजमेर पर अधिकार कर लेता है। 1535 में मेड़ता के शासक वीरमदेव को पराजित करता है, वीरमदेव को पराजित करता है मेड़ता और कहाँ पर अधिकार कर लेता है, अजमेर में। जब मालदेव गद्दी पर बैठा तब इसके पास सिर्फ जोधपुर और सोजत की ही रियासतें थी, लेकिन बाद में जालौर, अजमेर, मेड़ता, नागौर, ठीक है, सिवाना, वो सारी की सारी रियासतें अपने अधीन कर लेता है। मालदेव मारवाड़ का शक्तिशाली शासक है, शक्तिशाली या हम कह सकते हैं प्रतापी शासक है। क्या है? शक्तिशाली प्रतापी शासक, यानी तगड़ो है, ठीक है। तो मालदेव के समय दो युद्ध महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक पाहेवा का और एक गिरी सुमेल का युद्ध, पाहेवा या साहेवा या गिरी या सुमेल का युद्ध। मालदेव की एक लुगाई ही नाराज और चली गई, नामो रूठी रानी। क्या नाम था? रूठी रानी। तो हम उसके बारे में अभी जिक्र करते हैं। तो अब बात करते हैं अपने मालदेव के जो युद्ध थे प्रमुख, उनके बारे में। मालदेव के समय 1541 में जो प्रमुख युद्ध हुआ वह युद्ध था पाहेवा या साहेवा का युद्ध, पाहेवा या साहेवा का युद्ध। पाहेवा या साहेवा का युद्ध हुआ था फलोदी जोधपुर में। कहाँ पर हुआ? फलोदी जोधपुर में। और मैंने कल भी बताया था आपको फलोदी क्या है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान। अब एक तरफ तो आप कर दीजिए, जिस राजा के बारे में हम पढ़ रहे हैं मालदेव, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मालदेव के बारे में, और एक तरफ आ गया राव जेतसी। राव जेतसी जो था वो बीकानेर का था, कहाँ का था? बीकानेर का। और मालदेव मारवाड़ का है। इस युद्ध में राव जेतसी मारा गया। कौन जीत गया? मालदेव। जेतसी का एक सैनिक था जिसने शेरशाह सूरी से सहायता भी मांगी थी, लेकिन वो सहायता नहीं कर पाया। अब जेतसी के एक लड़का था जिसका नाम था कल्याणमल, कल्याणमल, रोन लाग गयो, मेरे पापो मर गयो। यानी कहने का मतलब है कि जेतसी का जो पुत्र था कल्याणमल, ये रोता हुआ कहाँ चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास, शेरशाह सूरी के पास। और जो शेरशाह सूरी होता है वो कहाँ पर शासन कर रहा होता है? दिल्ली पर। क्योंकि 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद होता है और यही व्यक्ति हुमायूं को भगा देता है। देखो अब क्या होता है, एक युद्ध होता है 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध या इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में किसे हराता है शेरशाह सूरी? हुमायूं को। हुमायूं आ जाता है मालदेव के पास, मालदेव उसको शरण देने की सोचता है। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मुलाकात भी होती है। तब शेरशाह सूरी को ये बात कौन बता देता है? कल्याणमल। तो शेरशाह सूरी इसके पास फरमान भेजता है कि आप उसको सहायता नहीं करोगे और उसको बंदी बनाकर मेरे पास भेज दोगे। लेकिन एक राजपूत शासक होने के कारण इसने उसको बंदी नहीं बनाया। अब कल्याणमल इसके पास चला गया शेरशाह सूरी के पास, क्योंकि इसके पिता की क्या की थी? हत्या। इधर से ये हुमायूं को शरण देने की सोच रहा था, तो विरोधी किसका हो गया? शेरशाह सूरी का। अब शेरशाह सूरी आक्रमण किस पर करेगा? मालदेव पर। किस पर करेगा? मालदेव पर। और उसे ही बोलते हैं गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो अभी बात करते हैं गिरी सुमेल या जैतारण के युद्ध की। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध। 1544 5 जनवरी 1544 ईस्वी को युद्ध हुआ गिरी सुमेल
या जैतारण का युद्ध? जैतारण का युद्ध, जैतारण का जो ये युद्ध हुआ था ये पाली में हुआ था। कहां पर हुआ था? पाली में। एक तरफ मालदेव, मालदेव के दो सैनिक थे इस युद्ध में, एक का नाम था जेता और एक का नाम था कुंपा। और इधर तो वही था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, लेकिन इसका साथ दे रहे थे दो व्यक्ति, एक का नाम कल्याणमल, कल्याणमल, और दूसरे का नाम वीरमदेव। वीरमदेव वही है जिसको मेड़ता से हटाकर अपने शासन में शामिल किया था मालदेव ने, कल्याणमल के पिता की हत्या की थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। क्या नाम था? फरीद। अब देखो क्या हुआ, ये युद्ध जो होता है 4 जनवरी को शुरू होता है, लेकिन इसमें शेरशाह सूरी एक कूटनीति चलता है, एक चाल चलता है। देखो क्या होती है, वो माना कि ये दो महल है विश्राम गृह, इसमें ये जेता सो रहा है और ये कुंपा सो रहा है। सो जाओ रहा है? सो गया, ठीक है। अब जो ये शेरशाह सूरी होता है ये एक चाल खेलता है, ये क्या करता है कि इनके विश्राम गृह के बाहर कुछ पैसे भिजवा देता है, 10,000 रुपये, और सूचना किसको पहुंचा देता है? मालदेव को। मालदेव को जब खबर लगती है कि उसके दोनों सैनिक बिक चुके हैं और वो किसकी ओर से लड़ेंगे? शेरशाह सूरी की ओर से। मालदेव इनकी जांच करने के लिए खुद आता है। ये देखो ये आ गया, यहां से चलता चलता ये मालदेव आया। अब मालदेव ने देखा कि यहां पोटली तो पड़ी है, लेकिन जेता व कुंपा को पता ही नहीं, वे तो सोन लाग रहा। अब ये देखता है तो इसकी आंखें इस प्रकार बाहर निकल आती है कि ये तो सच्ची बिक गया, अब तो मर्स कहां। तो यहां से मालदेव भाग जाता है और भाग कर चला जाता है शिवाणा दुर्ग में। कहां चला जाता है? शिवाणा दुर्ग में। शिवाणा दुर्ग बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। मारवाड़ शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा गया है? शिवाणा दुर्ग को। मालदेव भाग्यो, उठ जाओ भाई सुबह होगी। ये दोनों उठ गए, दोनों के दोनों उठ गए। जब जेता व कुंपा उठे तो इनके ऊपर एक अमिट कलंक लग चुका था। कलंक क्या था कि यानी इन्होंने अपने राजा के साथ गद्दारी की है। जो स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते थे जेता व कुंपा, उन पर जब कलंक लगा तो इन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना है, इस कलंक को मिटाना है, इस कलंक को मिटाना है। तो ये दोनों बहुत ही वीरता के साथ युद्ध करते हैं। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ। एक बार तो शेरशाह सूरी की सेना हार रही थी, एक बार तो शेरशाह सूरी की सेना हार रही थी और पीछे हटने लगी थी, लेकिन दोपहर के समय नमाज अदा करने का वक्त हो गया। क्या हो गया? नमाज अदा करने का वक्त हो गया। उसी समय एक जलाल खां जलवानी नाम का एक इसका सेनापति होता है शेरशाह सूरी का, वो शाही सेना लेकर आ जाता है और सेना अत्यधिक बढ़ने के कारण उसमें ये जेता व कुंपा वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरगति को प्राप्त होते हैं तो शेरशाह सूरी एक बात कहता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गुआ बैठता, बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गुआ बैठता, बादशाहत गवा बैठता। शेरशाह सूरी युद्ध जीतने के बाद क्या कहता है? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत गवा बैठता, यानी इसका शासन कहां पर था? दिल्ली पर। जिसकी दिल्ली उसका हिंदुस्तान। पर यह एक बात यह भी कहता है कि अगर मेरे पास जेता व कुंपा जैसे वीर सेनापति होते तो पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र पर मैं राज करता, लेकिन यहां कमी किसकी थी? मालदेव की। ओ भाजग्यो, नहीं तो ये युद्ध भी वो जीत सकता था। ठीक है, शिवाणा दुर्ग में चला गया। ये खास बात है ध्यान रखना, शिवाणा दुर्ग को मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहा जाता है।
कुम्मठ दुर्ग कहा जाता है, कुमथाना दुर्ग कहा जाता है। वीर नारायण पंवार के द्वारा हल्देश्वर की पहाड़ी पर बनाया गया दुर्ग कौन सा है? शिवा। अब क्या है कि जो शेरशाह सूरी होता है वो जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहता। 1545 में कालिंजर आक्रमण सुना होगा आपने, कालिंजर उड़ीसा में है। इस अभियान पर गया था शेरशाह सूरी और उक्का नामक विस्फोटक पदार्थ था, उसके फट जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और मालदेव दोबारा गद्दी पर बैठ जाता है। मालदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था रूठी रानी। क्या नाम था? रूठी रानी। रूठी रानी जो है उसे उमादे कहते हैं। क्या कहते हैं? उमादे। उसका वास्तविक नाम क्या था? उमादे। उमादे जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री है। जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री है। अब क्या है, शादी के अगले ही दिन ये रूठकर चली जाती है। रूठी रानी यानी उमादे रूठकर चली गई। मान लीजिए तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग में रूठकर चली जाती है और यहीं पर एक महल बना हुआ है, रूठी रानी का महल। ये आजीवन यहीं पर रहती है तारागढ़ दुर्ग पर। लेकिन मालदेव एक व्यक्ति को भेजता है यहाँ पर, ईसरदास नामक व्यक्ति होता है, बारठ होता है ईसरदास, उसको भेजता है कि उसको वापस ले आओ। अब क्या है कि वो जब उसको कहता है तो उमादेव वहाँ से चल पड़ती है, लेकिन उसी समय एक और चारण आ जाता है, आशा बारठ। आशा बारठ ये कुछ लाइन कहता है, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान तज, दो दो गयंद न बंदे ही एकण खंबो ठाण। अर्थात मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान तज, ठीक है। यानी वो कहता है अगर तुझे अपना मान रखना है तो पति को त्याग दे, और अगर पति को रखना है तो मान को त्याग दे, क्योंकि एक ही खूंटे पर दो दो गायें नहीं बांधी जा सकती। इस बात से आशा बारठ की से उमादे प्रभावित होती है और वापस नहीं जाती, यानी वापस वहीं चली जाती है तारागढ़ दुर्ग में। लास्ट में 1562 ईस्वी में मालदेव की पगड़ी के साथ सती होती है। मालदेव की मृत्यु हो जाती है 1562 ईस्वी में, तो उसकी पगड़ी के साथ क्या होती है? सती होती है। इसे ही अनुमरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुमरण। क्या कहा जाता है? अनुमरण। अनुमरण क्या है? पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है? अनुमरण। तो रूठी रानी जो उमादे थी वो सती हो गई। अब रूठी रानी एक कविता भी है जिसकी रचयिता है केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ राजस्थान का एकमात्र ऐसा परिवार है, बारठ परिवार, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूरा का पूरा शहीद हो गया। रूठी रानी जो है, एक महल तो रूठी रानी का कहां पर है? तारागढ़ में। और एक है रूठी रानी का महल मैनाल भीलवाड़ा में। रूठी रानी का महल कहां पर है? मैनाल भीलवाड़ा में। ये एक रानी थी जिसका नाम था सुहावा देवी। सुहावा देवी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की पुत्री। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे, द्वितीय उनकी पुत्री थी सुहावा देवी, जिनके नाम पर रूठी रानी का महल कहाँ बना है? मैनाल भीलवाड़ा में। तो मालदेव के बारे में बात की। मारवाड़ चित्रकला का उद्भव किसके समय हुआ था? मालदेव के समय। यानी मारवाड़ जो चित्रकला है उसका उद्भव किसके समय हुआ था? मालदेव के समय। मालदेव ने
पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश किले बनवाए हैं, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश किले बनवाए हैं। जैसे बात करूं तो मैं, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश किले किसने बनवाए हैं? मालदेव ने। जैसे पोकरण का किला कहां पर है? जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर में। सोजत का किला पाली, सारण का किला पाली, मालकोट का किला नागौर, नागौर, ठीक है, तो वो मालदेव ने बनाए हैं। 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश किले बनवाए हैं मालदेव ने। मालकोट का किला नागौर में बनवाया, इसे 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो इसके पिता थे गंगा, गंगा के नाम पर गांगेलाव तालाब, गंगा की बावड़ी, गंगा श्याम मंदिर, ये कहाँ पर है? जोधपुर में बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर करना ज़रूर, ये मत भूलना।